एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो अभी बज रहा है सुबह का 9:30, 9:30 नहीं, 9:45 होने वाला है। और हम लोगों ने सबने नहा लिया है, पूजा हो गई है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो ज़्यादा तो पूजा नहीं होती है, बट हाँ थोड़ी बहुत कर लेते हैं। नहाने के बाद ही कुछ खाते हैं, तो ब्रेकफास्ट तभी करते हैं। तो अभी हम लोगों ने नहा लिया था, उसके बाद फ्रूट्स खा लिए हैं। शाइन को फ्रूट्स बहुत पसंद है और शाइन को भी मैंने नहला दिया है। मैं डेली यही करती हूँ आजकल, शाइन को डेली नहला देते हैं, उसके बाद ही कुछ खिलाते हैं। तो शाइन ने भी फ्रूट्स खा लिए, शाइन को फ्रूट्स बहुत पसंद है। कोई भी फ्रूट्स दे दो उसको, बस फ्रूट्स होना चाहिए, उसे बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो सुबह ब्रश करके और सीधा सबसे पहले फ्रूट्स ही खाता है, उसमें सारे फ्रूट्स होने चाहिए। एप्पल है, बनाना है, पॉमी है, सब कुछ होना चाहिए उसकी प्लेट में। थोड़ा 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 खाता है, बट डेली खाता है, कभी मिस नहीं होता है। उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करते हैं, चाहे वो 12 बजे कितने भी बज जाएँ, बट फ्रूट्स खाने के बाद ही ब्रेकफास्ट होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारे घर पर थोड़ा सा काम होने वाला है। जो हम लोग का मेन डोर है, मेन गेट है जो हम लोगों का, वो चेंज करा दिया, क्योंकि जो वो लोहे का था हम लोगों ने स्टील का लगवाया है, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता था। और हम लोग क्या करते हैं, अंदर तो सफाई कर लेते हैं लेकिन बाहर नहीं देखते हैं घर के बाहर भी कैसा है। तो इस बार मैंने सोचा मुझे कुछ नहीं, मुझे बाहर का ठीक कराना है, अंदर कैसा है वो चलेगा, बट बाहर का मुझे बहुत ही अच्छा कराना था। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो गेट या जो उसकी जो वो था ना, पेंट वेंट, वो बहुत ही गंदा लगता था। तो मुझे सब चेंज कराना था। मेरे हस्बैंड कहते हैं इतना क्यों कर, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो मैं अंदर आती हूँ तो मुझे सब कुछ चेंज कराना है। ये शाइन आ गया है, बीच में घुसेगा है। आ शाइन कम, से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। ये बहुत मस्ती करता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने सुना होगा स्वीट पोटैटो, मैं वही बनाने जा रही हूँ। आप मेरे यहाँ हिंदी में इसको शकरकंदी बोलते हैं, आपके यहाँ वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ यही बोलते हैं। तो शाइन को ये बहुत पसंद है, शाइन को सब कुछ पसंद है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो शाइन को पसंद ना हो। उससे बस बहुत बच्चों को क्या होता है ना, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे ना तो उन्हें सब पसंद आता है, बट आप ही ऐसे कह दोगे अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो बच्चों को नहीं पसंद आता है। तो शाइन को मैं ऐसे शो करती हूँ ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, शायद दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ यही है, तो मैं एक्सप्लेन ऐसे ही करती हूँ। तो शाइन को सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। ये टंग क्यों निकाल रहा है, आई डोंट नो। शाइन टंग क्यों निकाल रहा है अपनी, पहले टंग नहीं दिखाओ। पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत मस्ती करके मेरा वीडियो खराब करने के लिए आता है। तो अभी जाते हैं बना लेते हैं, क्योंकि जब अगर वो आ गया ना वो काम करने के लिए, तो वो दिन भर खटपट खटपट करता रहता है, उससे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो अभी जाके बना लेते हैं अपना और शाइन को खिला देते हैं, शाइन को बहुत पसंद है। मैं उबालती हूँ थोड़ा नॉर्मल, बिना पानी के उबालती हूँ। आप लोग भी, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे कि उसमें घी डाल के उबालो तो वो जो स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा बॉयल होता है। तो मैंने वैसे स्टीम करते हैं, बॉयल क्या करते हैं, स्टीम करते हैं, बॉयल तो पानी में होता है, हाँ स्टीम करते हैं उसको, बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है वो। तो वो मैं तो उसमें खीर बना के खाती हूँ, बट शाइन को खीर नहीं पसंद, शाइन को मीठा बहुत कम पसंद है, तो उसे खीर नहीं पसंद, उसे नॉर्मली स्वीट पोटैटो ऐसे ही खा लेता है वो। अब स्टीम करके हम दे देते हैं, वो ऐसे ही खा लेता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, सच में बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ ओके, मम्मा लगा रहा है ओके। तो अभी चलते हैं बना लेते हैं, क्योंकि अगर वो आ गया ना खटपट खटपट करने के लिए तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, कुछ भी मैं बना भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि शाइन को भी देखना है, क्योंकि शाइन वहीं भागता रहता है, फिर कोई काम मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि शाइन तो फिर वो कहता है मुझे भी देखना है, और वहाँ देख नहीं सकता क्योंकि वहाँ वो काटते पीटते पता नहीं कितना कुछ करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना वो फैलाया है बाहर, अभी आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा फैलाता है, दिन भर फैलाया था, कल भी फैलाया उसने, कल गेट बनाया तो कल भी फैलाया रहा और आज भी उसने बहुत ज़्यादा फैलाया है। मैं दिखाती हूँ वहाँ पे बहुत कील वील पता नहीं क्या क्या पड़ा है। तो शाइन को हम जाने नहीं दे सकते हैं, तो दिन भर मुझे शाइन को ऐसे पकड़ के रखना होता है, क्योंकि शाइन थोड़ा सा नॉटी तो है, मैंने आप लोगों को बताया ही है कि शाइन इतना सीधा बच्चा तो है नहीं कि आप कह दो तो वो मान जाए, ऐसा नहीं करता वो। तो चलिए बना लेते हैं फिर, क्योंकि उसको देखना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत शरारत करता है सच में, दिखाते हैं आपको हम। तो ये देखिए मैंने स्वीट पोटैटो को स्टीम कर लिया है, इसको पील करके, और अब शाइन तो ऐसे ही खाएगा, मैंने खीर बनाई है बट पता नहीं वो खाएगा कि नहीं, वो खाता नहीं है क्योंकि उसे मीठा बहुत कम पसंद है, तो इसमें मीठा बहुत कम होता है ना, तो ये ऐसे ही खा लेता है। बट हमने दोनों रखा है, ये खीर भी उसके लिए बना दी है, खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, बट वो खाएगा नहीं। ये मैंने और भी बना के रखी है, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे खाता है। बेबी शाइन, What are you doing? क्या ईट कर रहे हैं, अंदर करो। स्वीट पोटैटो
What is this? Sweet potato. Sweet potato. Very like sweet potato. Huh? Very like? Yes. Yeah. Maybe like this. No? Huh? This is mama. Mama? And this is? This is baby. Baby likes sweet potato. Hello? तो बाहर बहुत आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है कि वीडियो में वो कट 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 सुनाई दे रही है। तो ये देखिए शाइन कितने अच्छे से खाता है, वो अपना लंच ब्रेकफास्ट या डिनर बहुत ही इन्जॉय करता है, उसे बहुत पसंद है। बस कुछ अलग अलग बना के दो, अगर आपने डेली वही बना के दिया तो वो नहीं खाएगा, बस उसका एक ही है, बाकी वो कुछ भी खा लेता है। उसको खाने में सब कुछ पसंद है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसे पसंद नहीं है। बस मीठा चीज़ थोड़ा सा कम खाता है, जो शायद अच्छा भी है। मैं भी कम खाती हूँ, बट मैं इतना कम भी नहीं खाती, ये बहुत ही कम खाता है। ये देखो, ये मैंने जो खीर बनाई है तो वो कह रहा है ये मेरी नहीं है, बट मैं ये नॉर्मल ये वाला मैं खा लूँगा, क्योंकि इसमें बहुत कम मीठा होता है। और बस थोड़ा बहुत तो मस्ती करेगा। ये बच्चों के लिए चेयर बहुत अच्छी होती है, अगर आप चेयर पर बिठा के खाना खिलाते हैं ना, बच्चे बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं। तो ये देखो, ये शाइन लगा हुआ है अपना खाने के लिए, और उसे पता है कि वीडियो बन रहा है, बहुत इंजॉय करता है वो अपना खाना या कुछ भी, मस्ती दिन भर करता रहता है, उसकी मस्ती हमेशा चलती है। और जो बाहर वो गेट बना रहे हैं ना, उसकी आवाज़ इतनी आ रही थी कि मैंने म्यूट ही कर दिया, क्योंकि अगर म्यूट नहीं करते तो आवाज़ गूंज ही रही थी, खट 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 की आवाज़ आ रही है। और शाइन तो बहुत ही परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे जाना है बाहर देखने और मैं जाने नहीं दे रही। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, देखो कैसा पड़ा है, उसने वहाँ पर कील वील सब फैला के रखी है। ये देखो बाहर इसने पूरा सब कुछ गिराया पड़ा है। तो यहाँ पे शाइन को हम भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब क्या लग जाए पैर में। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ पहले कैसा था। पहले ये वाला गेट था हम लोग का, जो यहाँ पे रखा हुआ है, अभी वो लेके गया नहीं है। तो ये वाला गेट पहले लगा हुआ था मेन डोर पर, तो ये मुझे ना अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसको चेंज कराने के लिए, बट कराया नहीं। अब मैं दिखाती हूँ कि जो चेंज कराया है वो ये है, स्टील का गेट यहाँ पे लगवा लिया है, बट अभी पूरा फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुई है। ये पूरा देखो उसने खोद खा दिया है, क्योंकि यहाँ लाइट वाइट लगनी थी। तो ये अभी वो बहुत अच्छे से बनाएगा, और पूरा गेट ही जब बनाएगा ना तो लुक ही चेंज हो जाएगा। वो ऐसा बोल रहा है कि लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये तो हम ही ने दी है, बट वो कह रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा बाद में देखने के बाद। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो है ना ये सीट बहुत अच्छा है, ये इसमें ना दीमक लगेगा ना, ये लकड़ी है, पता नहीं क्या फाइबर है, क्या है, कुछ तो है। बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट का है। ये देखो कितना लाइट वेट है, हाथ से उठा लो, बहुत ही अच्छा है ये। आप लोग लगवाना चाहते हैं तो ये ज़रूर लगवाएं, बहुत अच्छी चीज़ लगी हमको। इसे पानी गिराओ, कुछ भी करो, दीमक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा इस पर। और यहाँ पे इसने लाइट वाइट निकाल दी है, थोड़ा सा लाइट वाइट लगाएगा जब दिखाऊंगी मैं, जब लग जाएगा पूरा। तो अभी वीडियो कहीं एंड करते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगी जब आपका जब पूरा लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मैं तो ज़रूर दिखाऊंगी। सो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, शाइन की मस्ती पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।